आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे सितंबर 2022 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है मोटोरोला S30 अल्ट्रा 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD POLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 200+50+12 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4610 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 125 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो ये मोबाइल लॉन्च होगा 13 सितंबर को। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है IQ Z6 Lite 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.58 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये मोबाइल लॉन्च होगा 14 सितंबर को। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है मोटोरोला S30 फ्यूजन। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.55 इंच का फुल HD POLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 888+ प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+13+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4400 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 68 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये मोबाइल लॉन्च होगा 13 सितंबर को। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है ओप्पो रेनो 8 4G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.43 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 33 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो ये मोबाइल लॉन्च होगा 20 सितंबर को। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Realme V13। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek का Dimensity 700। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 48+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये मोबाइल लॉन्च होगा 26 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।